अभी 22 अप्रैल की तो बात है जब अर्षदीप सिंह खेल रहे थे, सामने तिलक वर्मा थे और अर्षदीप सिंह ने जो डंडा तोड़ा, आए हाय हाय क्या विकेट गिरा था। मतलब दो विकेट अर्षदीप सिंह ने तोड़ दिए थे, काफी नुकसान बीसीसीआई को उठाना पड़ा था, तकरीबन 60 लाख रुपए का। उस टाइम मुंबई पुलिस को टैग किया गया था, बवाल हो गया जी। लेकिन आज बवाल काट दिया मुंबई वालों ने, जबरदस्त बवाल काटा, ऐसा बवाल काटा कि पंजाब ने जो वो दो डंडों को केवल बीच वाला हटा के लगाया था, वहां पर मुंबई ने आज अर्षदीप सिंह का स्कोर कार्ड लगा दिया। अर्षदीप सिंह 3 ओवर 5 गेंद में 66 रन पिटते, 66, और आईपीएल के इतिहास में ये अर्षदीप सिंह का सर्वाधिक पिटने वाला स्कोर है। इतना मार अर्षदीप सिंह को नहीं पड़ी थी। लेकिन भाई मुंबई जो है ना वो अब अलग लेवल पे खेल रही है, और अलग लेवल पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी जब वानखेड़े में मैच हुआ था 200 प्लस मुंबई ने बनाया था, उससे पहले किसी ने मुंबई वानखेड़े में 200 प्लस नहीं बनाया था। राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग धांसू थी, तब भी तिलक वर्मा टिम डेविड ने खत्म किया था मैच, और आज जो मैच है वो भी तिलक वर्मा टिम डेविड ने खर्च किया। मतलब आज से पहले पंजाब के मोहाली में 200 प्लस नहीं चेस हुआ था, इतना बड़ा स्कोर, और आज गुरु ने चेस कर दिया, और पंजाब के बाद सबसे भयंकर चेस करने वाली टीम बन गई। पंजाब ने 5 बार चेस करते मैच जीता है, मुंबई ने 3 बार, सीएसके ने 3 बार, केकेआर ने 3 बार, यानी टॉप टीमों में गुरु अब आ गया है, मुंबई का नाम, और अब चाहिए फुल, और फुल इज्जत बनती है गुरु, फुल इज्जत क्यों ना मिले। 212 रन राजस्थान रॉयल्स ने बनाए थे वानखेड़े में, जब मार मार के धुआं कर दिया था सूर्य कुमार यादव ने, कैमरन ग्रीन ने, उसके बाद टिम डेविड ने, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें तिलक वर्मा का था, यशस्वी जायसवाल की वो शानदार पारी पर पानी फिर गया था, और आज वही मैच कट कॉपी पेस्ट हुआ है। मतलब पंजाब की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन हो या फिर अजितेश शर्मा, भाई सब क्या बल्लेबाजी दोनों ने की। मतलब पंजाब उड़ता पंजाब चल रहा था, लेकिन उड़ता पंजाब के बीच में जो मुंबई ने ये मरीन ड्राइव वाली रोड पर अपनी गाड़ी दौड़ाई है, भाई साहब जबरदस्त थी। मतलब यार क्या ही कहा जाए, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, और जिस तरह से आखिर में तिलक वर्मा और टिम डेविड ने बल्लेबाजी की, मतलब ईशान किशन का एक अलग रूप दिखा, बढ़िया तगड़े तगड़े हिट जो थे वो देखने को मिल रहे थे। हालांकि ईशान किशन के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आज बढ़िया खेला, मैं उनको और मैच में अच्छा खेलते देखना चाहता हूं। एक जमाने में वो बहुत फेवरेट खिलाड़ी हुआ करते थे, फिर उन्होंने बहुत मैच में गोड़ दिया था, लेकिन आज अच्छी बल्लेबाजी की और अपनी टीम को पार लगाया जब टीम को एक्चुअली जरूरत थी। बड़ा स्कोर था, ऊपर से शुरुआत चाहिए थी, और उसके बाद तो सूर्य कुमार यादव जब आए तो पंजाब वाले लगातार कहते रहे, हे भगवान आज सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैच नहीं चल रहा, हाईलाइट चल रही है, हर बॉल पे चौका छक्का चौवा छक्का चौवा छक्का, सैम करन को तो वीडियो गेम बना के मारा उस आदमी ने, जबरदस्त स्काई। लेकिन अब वक्त आ गया कि तारीफ शुरू कर दीजिए तिलक वर्मा की, भाई साहब बहुत अच्छा बल्लेबाज है। मतलब आपको याद होगा पहला मैच जहां पर पूरी टीम खत्म हो गई थी, वहां पर तिलक वर्मा ने 80 से ऊपर रन की पारी खेली थी, बेहतरीन पारी थी, 3 नंबर के बल्लेबाज से। अब तिलक वर्मा टेक्निकली वो बल्लेबाज है जो आते हैं, थोड़ा समय लेते हैं और फिर ताबड़तोड़ पारी खेल लेते हैं। उनके पास शॉट्स अच्छे हैं, रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन समय लेने वाले खिलाड़ी हैं, उनकी उम्र बहुत कम है। लेकिन अब जो 2 मैच में उन्हें रोल दिया गया है वो अलग तरह का रोल है और वो उनकी बैटिंग स्टाइल से बिल्कुल जुदा है। लेकिन जिस तरह की आज क्लीन हिटिंग उन्होंने की, और मैं क्लीन हिटिंग के साथ साथ उनकी हिटिंग एबिलिटीज तारीफ इसलिए अलग से कर रहा हूं क्योंकि ईशान किशन सूर्य कुमार यादव जब खेल रहे थे तो मैच एक तरफा था, लेकिन जब 2 बैक-टू-बैक विकेट गिरे तो लगा कि यार मामला फंस गया, अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद आकर वो प्रेशर रिलीज कर देना, टिम डेविड के सामने ताबड़तोड़ छक्के मारना, और आखिरी वाला छक्का जो है जिसके लिए उन्हें वो लॉन्गेस्ट सिक्स का अवार्ड मिल गया, 1 लाख रुपए, 2 अवार्ड मिला, एक ताबड़तोड़ पारी का, एक 1 लाख रुपए छक्के मारने का, सबसे लंबा 102 या 103 मीटर का था, तो वो बहुत अच्छा है। और ये अब टीम इंडिया के लिए बहुत सुखद खबर है, मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक लेफ्ट हैंड धाकड़ बल्लेबाज आ रहा है जिसकी उम्र महज 21 साल है। हालांकि धाकड़ बल्लेबाज आ रहा है तो एक धाकड़ बल्लेबाज जो चल नहीं पा रहा है और नाम है उसका रोहित शर्मा। 15वां मैच था जहां पर डक रोहित शर्मा की बल्लेबाजी जो है वो थोड़ा सीरियस कंसर्न हो गई है टीम इंडिया के लिए भी, रोहित शर्मा खुद के लिए भी, क्योंकि 15 बार डक होना ये थोड़ा चिंताजनक है। 10 बार एज अ कैप्टन वो डक हो चुके हैं और गौतम गंभीर के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। इस लिस्ट में 7 बार गिलक्रिस्ट का नाम है, 7 बार शेन वॉन का, और 6 बार विराट कोहली का नाम है।
हालांकि इन लोगों ने मैचेस भी बहुत ज्यादा खेले। 19 बार रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पा चुके हैं, जो भी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। आज 200वां मैच शायद उनका था मुंबई की तरफ से खेलते हुए। लेकिन अगर आप उनके एवरेज की बात करेंगे तो बीते 36 पारियों में वो एवरेज गिर गया है, और 2021 से 36 पारी में 833 रन है, केवल 23 का एवरेज है, हाईएस्ट स्कोर 65 है। और ये वो रोहित शर्मा नहीं नजर आते हैं जो एक जमाने में हुआ करते थे। तो मुंबई को अगर यहां से प्लेऑफ की तरफ सोचना है तो उसमें रोहित का, जोफ्रा आर्चर का, इन दो खिलाड़ियों का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, और अगर ये आएंगे तो ही यहां से नैया पार लेगी, वरना कहीं तो होगा जहां मिडिल ऑर्डर पैनिक करेगा। अब अकेला चना भार तो फोड़ता नहीं है, ये कंसर्न है। लेकिन ये खुशी की बात है, और वो खुशी की बात है सूर्य का चमकना। सूर्य अब चमकने लगा है वापस। सूर्य ने कई मैचेस में फ्लॉप दौर देखा, 0-0-0 बल्ले में रन ही नहीं बन रहे थे, लेकिन अब सूर्य अपनी चमक छोड़ रहा है। आज सूर्य कुमार यादव ने 31 बॉल में 66 रन मारे, और बड़े ही डेमोक्रेटिक अंदाज में मारा, खासतौर पर सैम करन को जैसे मारा, मतलब वैसी मार के बाद लोग पूछे कि ऐसा भी भला कोई मारता है क्या। तो ये मैच शानदार था। पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव ने 29 बॉल में 51 रन ठोक दिए थे, वो भी आउटस्टैंडिंग था। उसके पहले 12 बॉल में 23 रन ठोके थे, वो भी जबरदस्त पारी थी, छोटी इंपैक्टफुल। और उसके पहले मैच में 26 बॉल में 57 रन। तो ये सूर्या की चमक जो है ये दूर तक बिखर रही है, और सूर्या, तिलक वर्मा, ईशान किशन, टिम डेविड प्लस कैमरन ग्रीन, पांच खिलाड़ी अगर सही समय पर आपके फॉर्म में है तो आपकी टीम बेहतर लग रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये कि फिनिशर के रोल के लिए दो खिलाड़ी अच्छे लग रहे हैं, टिम डेविड और आपके क्या नाम है, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, ये दोनों फिनिशर की भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। अभी इस शुरू के 6 बल्लेबाज में सिर्फ एक कमजोर कड़ी है, और वो कमजोर कड़ी है रोहित शर्मा। लेट्स जस्ट होप कि वो भी फॉर्म में आ जाए। लेकिन इसी कंसर्न का जो पंजाब की टीम ने मजाक उड़ाया रोहित शर्मा को लेकर, पंजाब के एडमिन ने एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा आर अंडा हाँ, तो मुंबई वालों ने इसे बिल्कुल अच्छे से नहीं लिया। मुंबई ने एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा रोहित शर्मा कप इंटू 6, यानी 6 बार कप जीत चुके हैं पंजाब, जो पहले थी किंग्स 11 पंजाब, 0, और अभी पंजाब जो है 0, और नीचे लिखा रेस्पेक्ट। वैसे रेस्पेक्ट बनती भी है गुरु, क्योंकि आप आखिरी के 7 मैच में मुंबई इंडियंस 5 मैच जीत चुकी है, और ये हमें पुरानी कहानी को याद दिलाती है, उस दौर की याद दिलाती है जब मुंबई शुरुआत में 5-6 मैचेस हार जाया करती थी, लेकिन उसके बाद लौटती थी, तबाही मचाती थी, और उस तबाही के गवाह हम सब हुआ करते थे। लेकिन इस बार गेंदबाजी कमजोर कड़ी है, गेंदबाज पिट रहे हैं सिवाय एक गेंदबाज के, और वो गेंदबाज है जिसे सबसे सस्ते में खरीदा गया था, नाम है पीयूष चावला। बेहतरीन गेंदबाजी, मतलब सोचिए 214 रन बने थे और पीयूष चावला ने 4 ओवर में केवल 29 रन खर्च किए थे और 2 विकेट निकाले। विकेट गिरे कहां थे, 4 ही विकेट गिरे थे, उसमें 2 विकेट पीयूष चावला के नाम थे और 4 ओवर में 29 थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो 16 ओवर में कितना रन खाए हैं। पीयूष चावला की जितनी तारीफ की जाए कम, हर मैच में विकेट निकाले, इस मैच में 2 विकेट था, पिछले मैच में 4 में 34 पे 2 था, उसके पहले 4 में 34 पे 2 था, उसके पहले 3 में 15 में 2 था, उसके पहले 2 विकेट था, उसके पहले 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, और पहले मैच में खाली 0। हर मैच में आते हैं, अपनी इंपैक्टफुल गेंदबाजी दिखाते हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हो गए, मतलब जिसको कहते हैं ना पुराना चावल जो है वो पक चुका है, और पक कर समझ उससे बहुत बड़ी हुई है। शिखर धवन को जिस तरह से फंसाया, बहुत अच्छी गेंदबाजी थी, मतलब शिखर को स्टंप करवाया, वो बहुत अच्छी बॉल थी, और उसके बाद बोल्ड मार दिया। मुंबई ने एक काम तो अच्छा किया गेंदबाज में, बाकी तो मुंबई गेंदबाजों की कहानी क्या ही की जाए। अर्जुन तेंदुलकर कहां गायब हो गया यार, मतलब हमको लगा कि शायद उनको भी कहीं खिलाया जाएगा, लेकिन अब उनकी स्विंग देखने को नहीं मिल रही है, हो गया 2-3 मैच का शो, या और डिजर्व करते हैं, मतलब इतनी बुरी गेंदबाजी भी नहीं की थी अर्जुन ने, लेकिन अब ठीक है, मुंबई का फैसला है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैच की बात कर लेते हैं, आज मुंबई ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, तो मैंने शिखर धवन से पूछा, मैंने कहा क्या करूं, उन्होंने कहा गेंदबाजी कर लो, तो मैंने कहा ठीक है गेंदबाजी कर लेते हैं। ये टॉस का अच्छा मोमेंट था। इसके बाद आज अर्जुन तेंदुलकर को नहीं खिलाया गया, अर्शद खान और कार्तिक खेले थे। अर्शद खान आते हैं शुरुआती ओवर में ही प्रभसिमरन का विकेट निकाल लेते हैं, लगता है कि मैच में कुछ बना हुआ है। इसके बाद शिखर धवन थोड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू करते हैं, 7वें ओवर में 62 रन स्कोर होता है, जब शिखर धवन को पीयूष चावला अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हैं, आउट कर देते हैं, और उसके बाद शॉट को आउट करते हैं बोल्ड मारकर पीयूष चावला। लेकिन बस ये यहीं तक कहानी थी, इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, 3 ही विकेट गिरे यार। उसके बाद शो शुरू हुआ लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा का,
मतलब लियाम लिविंगस्टन को आप सबने देखा है, वो अलग लेवल पे खेलते हैं, उनका लीग ही अलग है। 42 गेंदों में 82 रन बनाए, 7 चौके 4 छक्के मारे और बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज में आज उन्होंने सबकी पिटाई की। अरशद खान को खूब पीटा, 4 ओवर में 48 रन। जोफ्रा आर्चर सबसे महंगे गेंदबाज थे, 4 ओवर में 56 रन, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। एक ओवर में उनके 27, 28, 29 रन शायद गए थे, वो बहुत महंगा ओवर था उनका और उनको इतना पिटते देखना थोड़ा हैरान करता है। आकाश ने 337 में, कार्तिकेय अच्छी गेंदबाजी की 324 में, लेकिन पीयूष चावला टॉप क्लास थे, 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, और यही इस मैच की हाईलाइट थी। और लेकिन तारीफ आपकी जीतेश शर्मा की यार, पंजाब ने आखिरी के 4 मैच में 200 रन बनाए और हर मैच में इस बंदे ने अपना योगदान दिया। बहुत मुंबई बल्लेबाजी करने आई तो लोगों को लगा यार जैसा जीतेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टन ने किया था वैसा शायद यहां ओपनर कर देंगे, लेकिन जीतेश शर्मा, मेरी बात लिख लीजिए, जीतेश शर्मा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आप आगे जाते देखना पसंद करेंगे। मैं तो इन तीनों को अपनी टीम में खिलाना चाहूंगा, किसे हटा के ये नहीं पता, लेकिन एक नई सीरीज आप दे सकते हैं, नए बच्चों की सीरीज, छोटी मोटी टीम के खिलाफ वहां खिला दीजिए, क्योंकि रोहित शर्मा तो चल नहीं रहे। रोहित शर्मा आज ही फ्लॉप रहे। ऋषि धवन की बॉल पर मैथ्यू शॉर्ट ने एक फुल कैच पकड़ा, वो अच्छा कैच था। इसके बाद ईशान किशन और कैमरन ग्रीन ने शुरुआत की, ग्रीन का थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, आउट हो गए। फिर सूर्या कशो जो था वो चमक बिखेरा, जबरदस्त चमक, मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा कि हाइलाइट्स यार, मैच नहीं था वो, हाइलाइट थी जिसे हम और आप देख रहे थे। सूर्या कशो खत्म होता है, उसके बाद आ जाते हैं आपके तिलक वर्मा, तिलक के साथ आते हैं आपके टैम डेविड और बहुत बढ़िया मैच होता है। डेविड ने 10 बॉल में 19 रन बनाए, जबकि एक छक्का नहीं मारा, केवल 3 चौके मारे, और तिलक वर्मा जो है आज 10 बॉल में 26 रन 3 छक्के मारे, 2 लाख रुपए बैठे बैठाए ले लिए। सैम करन की 3 ओवर में 41 रन पिटाई हुई और अर्शदीप पाजी को 4 ओवर में 61 रन पीटे गए, ये बहुत बड़ा रन था। 4 में 34 एलिस पाए थे, उन्होंने 6 गेंदबाजी के 2 विकेट निकाले, राहुल चहर और हरदीप प्राट जो है उन्हें विकेट नहीं मिला। लेकिन अब सवाल आपसे मेरा ये कि क्या पंजाब और मुंबई में कोई टीम ऐसी है जो क्वालिफाई कर सकती है? दोनों कर सकती हैं यार, मतलब दोनों अच्छी जहां पर हैं, आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं।